जय हिंद। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। दोस्तों मैं मौजूद हूँ फंगरूपुर ग्राम पंचायत में, एकौना थाना अंतर्गत लगता है, और यहाँ ये संपर्क मार्ग है समगढ़ा टू गोविंदपुर या एकौना बहराइच का मेन मार्ग है। ऐसे में यहाँ का आवागमन काफ़ी बाधित है और ना इस तरफ से उस तरफ जाया जा सकता है, ना उधर से इधर आया जा सकता है। बीच में पड़ता है कुरियनपुरवा जो कि सेमगढ़ा ग्राम पंचायत में लगता है, विकासखंड एकौना। ऐसे में बीच गांव फंसा हुआ है दोनों तरफ से, ना आवागमन सेमगढ़ा से जुड़ा हुआ है ना एकौना से जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ से पानी भरा हुआ है काफ़ी। और आज ये दो दिन हो, आज ये तीसरा दिन है, तीसरे दिन से काफ़ी आवागमन बाधित है। उधर जाने का रास्ता कितने दिन से बाधित हुआ है? अपना नाम बताओ। सियाराम है। सियाराम जी, आप कहाँ उस तरफ रहते हैं? इस तरफ रहते हैं? ये तरफ कासिम बनकर रहा था। हाँ, कासिम बनकर। कई दिन से रास्ता बंद है? काल से हाँ, तीन दिन से। आवागमन एक तरफ से ठप है, है? उधर भी पानी, जैसे इधर पानी बहा था इसे पानी उधर बहा था। हाँ। उस वो जो सामने गांव दिख रहा है आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, जिस तरह वो दोनों तरफ से जितना पानी इधर भरा हुआ है इतना ही समगढ़ा से पहले बरियार पड़ता है, जैसे ये नीचे है, नीची रोड है, ऐसे उतर भी नीची रोड है, उसमें काफ़ी पानी इसी तरह से पानी बह रहा है। क्योंकि इसमें देख लीजिए किस तरह तस्वीरों में जलकुंभिया या वगैरह बहुत पानी बहके जा रहा है। ऐसे में उस पार जाना काफ़ी जोखिम है। अरे हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, उस तरफ से भी कोई है? हम लोग हैं। आपका गांव कहाँ पे है? सिमगढ़ा। क्या नाम है? इधर आओ, इधर। अलीम। अलीम, आपका गांव कहाँ है? उस तरफ है? इस तरफ है? उस तरफ है। अच्छा, आप उस तरफ जाओगे आप? जी। कैसे जाओगे, तैर के ऐसे, मतलब घूम के जाएंगे? कहाँ से घूम, इस पर नहीं जा पाओगे? इस पर नहीं जा पाएंगे। अच्छा जी। ऐसे में यहाँ कोई प्रशासन भी नहीं मौजूद है जो कि कोई गाइडलाइन कराए, या जो इस तरफ फंसे हुए हैं उनको उस तरफ ले जाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। अगर चाहेंगे तो घूम के जा सकते हैं आप। है रास्ता उधर से? जी, लेकिन पानी उतर के जा। अच्छा, आप पैदल जा सकते हो? हाँ। कहाँ से? उधर से? उधर से। पैदल जाने का रास्ता है, वो भी काफ़ी घूम के जाने का रास्ता है। वैसे ये संपर्क मार्ग है, अगर सेमगढ़ा बहराइच एकौना बलरामपुर वगैरह या आप कहीं भी अगर जाओगे तो यही मेन मार्ग है। ऐसे में पूर्ण रूप से दो दिन से ये ठप है। अब हमको और कई जगहों का दिखाएंगे आपको तस्वीरें, हमारे वीडियो में बने रहना। धन्यवाद।